हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं आया हूँ झुमका डैम, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। तो चलिए, मुझे तो पास मिला है तो मैं आया हूँ कार्यक्रम देखने के लिए। आप सभी मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए ऐसा प्रोग्राम हो रहा है और इन्जॉय करिए। धन्यवाद। हर तरह की दुकानें लगी है यहाँ, पूरी भीड़ लगी हुई है, जबरदस्त भीड़ है। और बाहर में दुकानें लगी है, खाने पीने से लेके खिलौने हैं हर तरह के। बहुत ही जबरदस्त भीड़ है और यहाँ पे देखिए मेला लगा हुआ है पूरा, बहुत ही भारी भरकम मेला लगा हुआ है। हर तरह के सामान बिक रहे, खाने पीने से लेकर खिलौने तक यहाँ देखिए, और भीड़ उमड़ी हुई है। स्टेज के करीब नहीं जा पाते हैं उसके लिए इधर बड़े बड़े स्क्रीन पे लोग देख के एंजॉय कर सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन लगी है बड़ी सी और एक स्क्रीन यहाँ लगी हुई है जो डांस हो रहा है। एंट्रेंस है, चलिए 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 चलिए। उधर से है जो जनरल पब्लिक लोग जा रहे हैं, हम लोग इधर से एंट्रेंस किए हैं और बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। पब्लिक काफ़ी है, भीड़ है काफ़ी, सब एंजॉय कर रहे हैं। ये बड़ा बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है ताकि लोग एंजॉय कर सकें। और हम लोग यहाँ से आए हैं, वीवीआईपी पास है हमारे पास, तो इधर से हम लोग जा रहे हैं आगे और अंदर में जाके कहीं बैठने की सुविधा होगी। डॉक्टर एकता लांगे, ये कोरिया के जो कलेक्टर साहब हैं उनकी वाइफ हैं, और मैडम के द्वारा बहुत अच्छा प्रस्तुति किया जा रहा है। डॉक्टर एकता लहंगे अपनी गायकी प्रस्तुत कर रही हैं पब्लिक के बीच में, आम लोगों के बीच में, जो ये झुमका जल महोत्सव जो 2024 का रंगारंग कार्यक्रम दूसरे दिन आज है 2 फरवरी को, उसमें अपनी गायकी प्रस्तुति करते हुए मैडम एकता लहंगे द्वारा। उसके पहले हमारे म्यूजिकल ग्रुप की ओर से छोटी सी एक सुकून भरी प्रस्तुति आपके बीच मौजूद है, चाहेंगे आप सबका आशीर्वाद मिले।
और छोटे छोटे नगमों के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप सभी से दुनिया दी।
काफी भीड़ है, मैं आपको कैमरा इधर करके दिखा रहा हूँ। ये वीवीआईपी एरिया है जिसमें मैं बैठा हूँ, फिर भी काफी भीड़ है। सभी कमेंट्स करके बताए कि ये किसकी गजल है, बहुत ही फेमस सिंगर है, गजल सिंगर है जो गाए हैं, आप सभी जानते होंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। टूट गए कि टूट गए कि टूट गए कि टूट गए। मेरा फेवरेट गजल आप सभी जानते होंगे, ये पंकज उदास की गजल है, और ये जो अभी स्टेज में गा रहे हैं इसका नाम है श्री कमलेश शर्मा, बहुत अच्छा आवाज है। बाकी सब कंगा एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगा। और ये जो सिंगर है गजल सिंगर, ऐसा लग रहा है कि ये पंकज उदास के काफी करीबी रहे हैं और काफी उनका कॉपी किए हैं, काफी उनका अनुकरण किए हैं, काफी अच्छा गा रहे हैं। मुझे तो इनकी आवाज सुन के बड़ा मजा आ गया। वाह वाह बहुत बढ़िया। तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए मनमा, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगा। जैसा रंग है तेरा सोने जैसी बात, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगा। छैल छबीली आंखें तेरा। आज 2 फरवरी है और कल जो है 1 फरवरी को सूफी गाने हैं, ये उद्घाटन हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के और माननीय स्वास्थ्य मंत्री और यहाँ के जो राजवाड़े जी विधायक हैं माननीय राजवाड़े जी, उन लोगों के द्वारा उद्घाटन किया गया था। कल काफी भीड़ थी, कल भी कुछ प्रोग्राम हुआ और आज अंतिम दिन है और काफी भीड़ है आज भी। आप देखिए यहाँ पे ड्रोन द्वारा भी वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है और मैं जो हूँ ड्रोन मेरे ऊपर मंडरा रहे हैं, और ये मैं जस्ट अभी कैमरा मैन के बगल में ही बैठा हूँ, और ये गजल भी बहुत प्यारा है, आप सभी इंजॉय करिए। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ झुमका जल महोत्सव का जो दूसरा दिन है और रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, तो आप सभी एंजॉय करिए, देखिए और मजे लीजिए। और आप सभी कमेंट्स करके बताइए कि ये किस गजल है, इन्होंने ये गजल गाया है। मेरे दिल में दबी हो जैसे
कि मैं चार ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला मेहदी हसन, दूसरा जगजीत सिंह, तीसरा पंकज उदास और चौथा जो है चंदन दास। और आप बताइए इनमें से किन्होंने भी किन ने भी ये बदल किया। कहीं हो जैसे मेरे दिल में कभी हो। वाह वाह वाह। कितने लोग अभी तैयार हैं एक डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट? डांस करना चाहेंगे? करना चाहूंगी कि दोस्तों कहते हैं खाने में सबसे अजीज पान है, खाने में सबसे अजीज पान है। और हमारे एसपी साहब आज के इस इवेंट की जान है, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए कमल के पास। बैकुंठपुर के एसपी श्री तिलोक बंसल सर की बेटी है ये आराध्या बंसल। बहुत सुंदर नृत्य के लिए आई है। कार्यक्रम समाप्त हो रहा है और सभी को अभी निकल रहे बाहर क्योंकि काफ़ी भीड़ है। चूँकि कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ फिर भी दीदी लोग जा रही है तो मैं भी जा रहा हूँ। ये वीवीआईपी तरफ से रास्ता था जिधर से सब को जा रहे थे, बस मैं भी निकल रहा हूँ। काफ़ी भीड़ थी, प्रोग्राम लगभग समाप्त हो गया है। चलिए तो आप सभी को धन्यवाद पूरे ब्लॉग में बने रहने के लिए। गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।